जो ऐसी गलती कर रहे हो तो उसके लिए सावधान हो जाना, ये गलती कभी मत करना। बहुत सारे लोगों की मेरी जैसी गलती हो रही होगी तो उसके लिए ये स्पेशली वीडियो है, प्लीज ये वीडियो देख के आप लोग भी सीख जाना। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी जा रही थी इफ्तारी बनाने के लिए, वैसे अभी 4 बज रहा है। अभी मैंने सोचा है कि जल्दी बना लूँगी और जल्दी रख दूँगी ताकि मुझे थोड़ा पढ़ने के लिए भी टाइम मिल जाए और थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊँ, क्योंकि 4:30-5 बजे से बनाना स्टार्ट करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, मुझे फिर पढ़ने वगैरह के लिए भी टाइम नहीं मिलता। इसलिए अभी सोचा मैं जल्दी कर लूँगी, चाहे ठंडा हो जाए चलेगा। सो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ स्पेशल बना रही हूँ, जैसे कि बहुत सारे लोगों को आता होगा और जिसको नहीं आता होगा मैं बताती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड कैरेमल पुडिंग, बनाती हूँ आप लोगों को बताती हूँ। आप सामने देख सकते हो, यहाँ पे मैंने दूध गर्म करने रख दिया है और ये दूध रात का बच गया था तो इसका यूज़ करूँगी और थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ा ही बनाऊँगी। और ये आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कस्टर्ड मिक्स करके रख लिया है, ये देखो कस्टर्ड मिक्स करके रख ली हूँ। और फ्रेंड्स, इसे देख के आप लोग क्या बोलेंगे, इसको देख के आप लोग बताइए क्या है। चलो मैं बता देती हूँ, आप लोग कैसे बोलोगे। ये है कस्टर्ड पाउडर जो कि मेरी मम्मी आए थे ना पिछले बार, 3-4 महीना हो गया शायद से, आप लोग ने मेरा ब्लॉग देखा होगा जब हम लोग बाहर घूमने गए थे, तब वो शायद ब्लॉग आपने देखा होगा, जिसने नहीं देखा हो प्लीज़ जाके देखना। तो मम्मी पापा आए थे, बहन वगैरह आए थे, तो मम्मी ने मेरे लिए लेकर आई थी कस्टर्ड पाउडर, मैंने मंगाई थी और व्हिपिंग क्रीम भी मंगाई थी और प्रीमिक्स भी मंगाई थी, जब भी का ये लाया हुआ है। तो मुझे लग रहा था कि मम्मी वो जो छोटा वाला डब्बा आता है ना कस्टर्ड पाउडर का, वो लेकर आएगी, बट मम्मी नहीं, पूरा ये मतलब मुझे लग रहा आधा किलो का होगा शायद ये पाउडर। इससे मैंने बहुत बार बना चुकी हूँ तो अभी वही रखा है और अभी जा रही हूँ, लगता है रमज़ान में यूज़ होगा भरपूर ये। तो अभी भी ये पुडिंग बनाने जा रही हूँ तो लगता है इसमें भी यूज़ होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बताती हूँ कैसे बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके अंदर शक्कर डालेंगे, शक्कर को अच्छे से पकाएंगे। ये देखो मैं डाल दी, देख सकती हूँ यहाँ पे मैंने चीनी ले ली हूँ, अभी ये चीनी घुलना भी शुरू हो चुका है और इसको हम एकदम अच्छे से पकाएंगे जब तक कि इसका कलर ना चेंज हो जाए। और साथ ही में हमारे यहाँ पे दूध भी गर्म हो रहा है, ये पूरा दूध नहीं यूज़ करने वाली फ्रेंड्स, अभी मैं थोड़ा ही यूज़ करूँगी और थोड़ा ही पुडिंग बनाने वाली हूँ मैं। चलो फिर गैस बंद कर देते हैं। और फ्रेंड्स, अभी पता मेरे साथ क्या हुआ, मैंने शक्कर रख दी और ना गैस चालू करना ही भूल गई, तो मैं बोली चेंज क्यों नहीं हो रहा, चेंज क्यों नहीं हो कलर, फिर बाद में पता चला नीचे से गैस बन गया, मैं बोली कितनी बड़ी पागल हूँ मैं। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, कलर चेंज हो चुका है हमारा। सो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ पे कैरेमल रेडी हो गया था तो हमने इसके अंदर डाल दिया है और साथ ही में यहाँ पे हमारा दूध गर्म हो चुका है तो इसके अंदर हम अब ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर जो कि मैंने पहले मिक्स कर लिया था। इसको अच्छे से चलाएंगे फ्रेंड्स हम लोग। सो फ्रेंड्स, हमें 2 से 3 मिनट तक इसको पकाना है। इसका थिकनेस कितना सही है, बस इतना ही हमको चाहिए। अब इसके अंदर हम इसको ऐड करने वाले हैं, चलिए फिर ऐड करते हैं फटाक से। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पानी ली हूँ, उसके ऊपर एक स्टैंड रखी हूँ, आप कोई भी बर्तन रख सकते हो या आपके पास स्टैंड है तो आप वो भी रख सकते हो और इसके अंदर पानी यहाँ तक कि पतीली तक तो भी आपको ऐड करना है ताकि इसका जो भी स्टीम है ये हमारे कैरेमल को लगे। और इसको लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट तक के पकाएंगे और 15 से 20 मिनट होने के बाद फ्रेंड्स आप लोग ऐसे ना एक कांडी डाल के चेक कर सकते हो कि हुआ है कि नहीं हुआ है। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पर इसको अच्छे से कवर कर देंगे और फ्रेंड्स इसको है ना, आपके पास वो फॉइल पेपर है तो वो भी लगा के ऐड कर सकते हो, अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको अच्छे से इसको अच्छे से स्टील के बर्तन से कवर कर लेना है। तो चलो मैं कवर कर लेती हूँ। ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से कवर कर लिया है, अब इसको भी पूरा अच्छे से ढकने के लिए ताकि पूरा स्टीम अपने कैरेमल को लगे, इसलिए इसको भी हमको अच्छे से कवर करना है। तो ये पतीली लिया है मैंने, इससे मैं कवर करूँगी, ये एकदम परफेक्ट इसको बैठेगा, रुको मैं करके बताती हूँ। ये देख सकते फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट बैठा है, इसको एकदम लो फ्लेम कर देंगे और 15 से 20 मिनट तक के इसको पकाएंगे। इधर तो हमारा कैरेमल कस्टर्ड बन रहा है, अब दूसरा आप जा रही चना बनाने के लिए, साइड में चना बना रख देती हूँ। कल के ब्लॉग में मैंने आप लोगों को बोला था समोसा का शीट जो रेडी की थी ना वो कैसे करते हो आप लोगों को बताऊंगी, तो ओके
यहाँ पे हमारा तो कैरेमल पक रहा है, उसको पकने देते हैं, बाकी का अपना काम करते हैं। और यहाँ पे हमारा 4:30 हो चुका है, 5:15 बजे अजान होगा, तो अजान से पहले सोच रही जल्दी जल्दी थोड़ा निपटा लूँ काम। तो चलो फ्रेंड्स करते हैं। यहाँ पे मैंने 3 ऐसे छोटी छोटी लोइयाँ ली है, उसको पूरी की तरह बेल लिया है और इसके ऊपर तेल लगाया है, फिर उसके बाद आटा लगा दिया है। अब उसके ऊपर ये देखो सब एक एक सब के ऊपर ऐसे कर दिया है, बैक साइड ऐसी ऐसी फ्रंट साइड पे ऐसे करेंगे, और जहाँ पे आटा लगा है उसको इसके ऊपर ऐसे चिपका देंगे, और सेम इसको भी इसके ऊपर चिपका देंगे, और साइड से इसको ऐसे मोड़ते जाएंगे। अब इसको बेल लेंगे। फ्रेंड्स जो समोसा पट्टी की जो लंबाई होती है 10 इंच की होती है, जो चौड़ाई होती है 3 इंच की होती है, तो आप अपने मेजर टेप से माप लेना, मुझे अंदाजन है इसलिए मैं थोड़ा सा कर ले रही हूँ। ये साइड का हिस्सा निकाल लेना, आप चाहो तो पता है स्प्रिंग रोल के लिए बनाते हैं ना, वैसे भी करके आप ऐसे कट कर सकते हो, बट उसमें ना ये साइड का जो हिस्सा होता है ना वो वेस्ट हो जाता है, और हमको ये वेस्ट नहीं करना है, इसलिए इसको हम निकाल देंगे, दूसरा यूज़ हो जाएगा। ये 2 शीट हमारी रेडी हो गई है, और 2 शीट में से अभी 4 शीट निकल जाएगा, दिखाती हूँ आपको। ये देखो फ्रेंड्स, अब इसको तवे पे रखेंगे हम। सो फ्रेंड्स ये देख सकते हो हमने जो दो दो पट्टी डाला है, 2 पट्टी का देखो 4 पट्टी हो गया। ये देखो इसको निकाल लेंगे, इसको भी निकाल लेंगे। ये देखो फ्रेंड्स ये हमारा समोसा पट्टी बन के रेडी है। सो फ्रेंड्स ये देखो समोसा बनाने के लिए जिसको आता है उसके लिए नहीं है, और जिसको आता है उसके लिए बता रही है। देखो पहले ऐसे करते हैं, फिर इसको ऐसा करते हैं, फिर इसके अंदर अब जो भी हम स्टफिंग रेडी किए वो रेडी डालेंगे। सब मैंने बना ली हूँ, सिर्फ लास्ट का दिखा रही हूँ क्योंकि लेट हो रहा है ना, इसीलिए। काम क्यों दिखा रहे हो नीचे का? फ्रेंड्स माइंड मत करना, अभी मैंने आटा वटा गुनी हूँ ना, तो उसी लिए सब गिर गया है। ये देखो फ्रेंड्स ये हो गया। अब इसको इसको हम ऐसा कर देंगे, और ये जो साइड का जो निकला है ना, यहाँ पे आटे का पानी का घोल रेडी क्यों, थोड़ा नीचे करो ना, घोल रेडी क्यों, उसको ऐसा चिपका देंगे हम, इसको ऐसे लगा के इधर से वैसा लगा देंगे, इसको चिपका देंगे। ये देखो फ्रेंड्स, ये देखो फ्रेंड्स ये रेडी है हमारा। अब इसको फ्राई कर लेंगे हम, इसको ऐसे डाल के फ्राई। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड कैरेमल रेडी है, पता है क्या इसमें थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, मैं आप लोग को बाद में बताऊंगी। अभी ये फिलहाल देखो ये हमारा रेडी है, और यहाँ पे हमारा इफ्तार भी रेडी हो चुका है। आ फ्रेंड्स ये देखो मैंने मेरा कीमा समोसा भी रेडी है, यहाँ पे सारा इफ्तार रेडी है, यहाँ पे हमारा शरबत भी रेडी है, यहाँ पे ये भी रेडी है, यहाँ पे अनाबिया भी रेडी है, और यहाँ पे मैं भी रेडी हूँ। अभी चलो दुआ वगैरह पढ़ लेते हैं, और फिर इफ्तार के बाद मिलेंगे आप लोग से। आइए फ्रेंड्स आप लोग भी इफ्तार के लिए। अभी हमारा कैरेबल ट्राई होने जा रहा है, ये बताएंगे। परफेक्ट नहीं बना है पता है मुझे, डर लग रहा है क्या? क्या है? अच्छा नहीं है क्या? है क्या है मुझे समझ। अब बताओ पहले कैसा है? जलान जलान। नमाज पढ़ के हो गया, और अभी मैं बैठी हूँ और आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मेरे कस्टर्ड कैरेमल में क्या नुस्ख निकला और क्या गलतियाँ और कमियाँ निकली है, आप लोगों को मैं भी बताती हूँ। और इन्होंने भी कुछ बोले थे उस टाइम, इन्होंने खाए तो फर्स्ट टाइम उनको लगा कड़वा, इन्होंने बोले कड़वा, तो मैंने वीडियो कट कर दी। मैं बोली कि क्या ये दिखाओ अपने फ्रेंड्स को, फिर मैंने बोला नहीं, जो हकीकत है वही दिखाना चाहिए। ये हमारा कस्टर्ड कैरेमल, पता है इसमें क्या गलतियाँ निकली है? फर्स्ट गलती बताती हूँ, जब मैंने अपने कैरेमल को स्टीम में रखा था ना, तो उसके बाद से मैंने उसको सिर्फ एक बार चेक किया था ऐसे, तो हल्का फुल्का लगा, तो मुझे लगा कि हो गया। तो फर्स्ट मिस्टेक मेरी ये थी, जब हम उसके अंदर चम्मच डालते हैं ना, तो एकदम ऐसे बिना, जैसे हम केक कैसे चेक करते हैं तो बिना कुछ लगे निकल जाता है, तो सेम इसका भी वही प्रोसेस था कि हम चम्मच या लकड़ी डाल के इसे चेक करते, तो उसमें अगर नहीं लगा तो समझ लेना कि वो हो गया है, अगर उसमें छिपका तो समझ लेना कि नहीं हुआ है। तो मेरा उस टाइम ऐसा हल्का सा लगा, फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हो गया है, फिर भी मैं पता नहीं कौन सी दिमाग में थी, फिर भी मैंने उसको निकाल ली। और सेकंड ये है कि मुझे उसको ना ऐसे पलटना था, तो मैंने उसको ऐसा करके पलट दी, तो उसमें भी मेरी गलती है, वहाँ पे भी मेरा पूरा ऐसे मिक्स हो गया, तो इसलिए वो पूरा ऐसा दिख रहा है। फिर उसके बाद मैंने उसको ठंडा होने रखा, नहीं
फिर उसके बाद जब मैं शुगर को चीनी को जब उसको ये कर रही थी ना, मेल्ट कर रही थी ना, तब मैंने वहाँ पे ना एकदम हाई फ्लेम पे कर दी थी, जिसकी वजह से मेरा चीनी है ना थोड़ा जल गया, तो वहाँ पे मेरी गलती हुई। तो वो कड़वापन जो लग रहा था ना, जो इन्होंने बोले कि कड़वा लग रहा है, तो वो जब चीनी में मेल्ट कर रही थी ना, तो वहाँ पे हाई फ्लेम की वजह से वो जल गया, तो जिसकी वजह से वो कड़वा लग रहा था। तो यहाँ पे मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर ये देखो, इसका अगर शेप भी बिगड़ा है ना, शेप भी बिगड़ा है ना, तो इससे कोई मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके ऊपर का जो हम लोग ने जो शुगर लगाए थे ना कैरेमल, उसको साइड करके खाओ ना, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सच्ची दिल से बोल रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बस वो शुगर की वजह से ना वो थोड़ा कड़वा लग रहा है। वो शुगर को जब हम लोग मेल्ट कर रहे थे ना, तभी शुगर पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए था। फ्रेंड्स, आप लोग भी अगर ऐसी गलती कर रहे हो, मुझे नहीं पता मेरी तरह कौन ऐसा होगा, नहीं होगा, अब कुछ 5% होगा, उसके लिए बता रही हूँ। जो ऐसी गलती कर रहे हो तो उसके लिए सावधान हो जाना, ये गलती कभी मत करना कि शुगर को कभी भी लो हाई फ्लेम पे मत मेल्ट करना, एकदम लो फ्लेम पे मेल्ट करना। अगर हाई फ्लेम पे आप लोग करते तो जल जाएगा, जिसकी वजह से आपका टेस्ट पूरा ख़राब हो जाएगा। मेरे साथ वही प्रॉब्लम हुआ, मेरा कैरेमल का टेस्ट थोड़ा सा ये हो गया। बस उसको ना जो ऊपर का जो कैरेमल है ना, जो शुगर है ना, उसको साइड कर दो तो बहुत अच्छा लग रहा है। बस उसमें ही थोड़ी सी कमी हुई है और थोड़ा सा गलतियाँ हुई है, बट नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग ये मत कमेंट करना कि पहले खुद सीख जा फिर बनाओ। इसलिए आप लोग को इफ्तार का ब्लॉग शेयर करती, तो उसमें ये भी आप लोग को बता दिया, जो अच्छा बनता है ख़राब बनता है वो आप लोग को बताती हूँ, ये अच्छा नहीं बना उसकी वजह से, कड़वापन की वजह से, वो भी आप लोग को बताती हूँ। रियल बताना चाहिए, कभी भी फेक नहीं बोलना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, चलो अभी जा रही है, इसको खा लेती हूँ। मैंने देखो उसको ऊपर का ना पूरा साइड कर दिया, अभी खा रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। बस वही थोड़ा सा ऊपर का जो शुगर है ना वो कड़वा लग रहा है, बाकी सब अच्छा लग रहा है। चलो फ्रेंड्स, खा लेते हैं, आइए आप लोग भी खाने। सो फ्रेंड्स, हमारा खाना हो चुका है और अभी रात के बज रहे हैं 12:30 और हम लोग आज खाना खा लिए हैं। सॉरी फ्रेंड्स, मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि मेरे को याद ही नहीं था कि यार मैंने वीडियो का एंड नहीं किया है। और आज खाने में मैंने बनाई थी दाल, चावल, आलू का भरता और थोड़ा सा कीमा बनाई थी। स्लीपर और हम लोग खाना वीना खा लिए हैं और अभी जा रहे थे सोने के लिए, तो मुझे अचानक से याद आएगा, अरे मैंने वीडियो का एंड नहीं किया है, वीडियो का एंड कर देती हूँ। फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा और मेरी वीडियो और मेरी रेसिपी, जो भी मिस्टेक हुआ है मेरे से, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट टाइम ज़रूर सुधारूंगी। और ये आप लोगों के लिए भी सबक है, जो मेरी तरह गलती करता है, और सब तो नहीं करते होंगे, मुझे पता है बहुत सारे लोग अच्छा बनाते होंगे और बहुत सारे लोगों की मेरी जैसी गलती हो रही होगी, तो उसके लिए ये स्पेशली वीडियो है। प्लीज़ ये वीडियो देख के आप लोग भी सीख जाना कि शुगर को ज़्यादा मेल्ट मत करना हाई फ्लेम पे। ओके फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। पीछे टाइल में देखो मैं दिख रही हूँ, मेरा मोबाइल दिख रहा है। यहाँ पे अनाबिया सो गई है बिस्तर पे, इधर ये भी सो गए हैं। और चलिए फ्रेंड्स, गुड नाइट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।